नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आरसीबी टीम से जुड़ी बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही, जहां पर इस साल एबी डिविलियर्स के ना होते हुए भी आरसीबी टीम में एक और मिस्टर 360 प्लेयर है, जिसकी घोषणा जो है आरसीबी टीम ने खुद भी ट्विटर हैंडल के जरिए कर दी है। तो क्या है अपडेट, इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी आरसीबी टीम के फैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। वहीं दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आरसीबी टीम का इस बार का स्क्वाड कैसा है, क्या वो चैंपियन बन पाएंगे, मैचेस जीत पाएंगे या फिर नहीं, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुंचती रहे। ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो उसे भी आज से ज्वाइन कर लीजिए। वहां भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लगातार मिलती रहेगी। तो भाइयों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाइए वहाँ पर उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको सभी मैच का सटीक प्रेडिक्शन जानना है, चाहे टॉस हो या मैच हो या फिर सेशन हो, सभी जानकारी मिलेगी स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। प्रिंस भाई इंडिया के नंबर एक क्रिकेट एनालिस्ट हैं, इनका प्रेडिक्शन एकदम सटीक रहता है। तो दोस्तों, इनका व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट जाइए इनसे कांटेक्ट कीजिए। दोस्तों, आईपीएल 2022 के लिए मेगा ऑक्शन में आरसीबी की टीम ने 19 खिलाड़ी खरीदे हैं, जबकि 3 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। आईपीएल 2022 में आरसीबी के तूफानी बल्लेबाज एबी डिविलियर्स नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि उन्होंने आईपीएल 2022 से पहले ही संन्यास का ऐलान कर दिया है। लेकिन आरसीबी के पास एक तूफानी बल्लेबाज ऐसा है जो डिविलियर्स जैसा ही छक्का लगाने में माहिर है। आइए जानते हैं कि आरसीबी टीम ने उस खिलाड़ी के बारे में क्या कहा है। दोस्तों, आरसीबी ने जिस खिलाड़ी की एबी डिविलियर्स से तुलना की है, वो कोई और नहीं बल्कि ग्लेन मैक्सवेल है। आईपीएल 2022 के लिए आरसीबी टीम ने ग्लेन मैक्सवेल को रिटेन किया है। 9 साल के आईपीएल करियर में मैक्सवेल को पहली बार किसी टीम ने रिटेन किया है। आरसीबी ने मैक्सवेल को लेकर कहा है कि क्या आप जानते हैं कि हमारे रैंक में एक मिस्टर 360 डिग्री है, 12th मैन आर्मी में मैक्सी एबीडी की तरह ही विस्फोटक मनोरंजक है। मैक्सवेल आईपीएल 2021 में आरसीबी टीम की तरफ से खेलते हुए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। आईपीएल 2021 के 15 मैचों में 14 पारियों में मैक्सवेल ने 513 रन बनाए थे। इस दौरान उनके बल्ले से 6 अर्धशतक भी देखने को मिला था। वो शानदार फॉर्म में रहे थे, इसी वजह से आरसीबी टीम ने उन्हें इस साल जो है रिटेन किया है। अब आरसीबी टीम का ये मानना है कि मिस्टर 360 डिग्री के जाने के बाद, यानी कि एबी डिविलियर्स के ना होते हुए भी, उनकी टीम के वो मिस्टर 360 कहलाएंगे। वो चारों तरफ शॉट्स खेलते हैं, हमने देखा कि मैदान के चारों ओर शॉट्स खेलते हैं, बड़े बड़े छक्के लगाने में माहिर है। तो ऐसे में भाइयों, मैक्सवेल ही आरसीबी टीम के लिए डिविलियर्स की कमी को पूरा कर सकते हैं। वही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है जिनके बल्ले से हमें कुछ बड़े बड़े अच्छे शॉट्स देखने को मिलते हैं एबी डिविलियर्स की तरह। हालांकि आरसीबी टीम में कई और बढ़िया खिलाड़ी हैं इस बार, जैसे फैफ डुप्लेसिस हो गए, विराट कोहली तो है ही ओपनर के तौर पर, इसके अलावा उनके साथ फैफ डुप्लेसिस भी इस बार ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। आरसीबी टीम की ओपनिंग की जोड़ी जो है इस बार बिल्कुल अलग होने वाली है, काफी ज्यादा अनुभवी रहने वाली है। डुप्लेसिस के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वहीं दोस्तों विराट कोहली तो आईपीएल में काफी टाइम से ओपनिंग करते हुए नजर आ ही रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आरसीबी टीम में वहां पर मैक्सवेल का कॉम्बिनेशन और इन दोनों ही ओपनर का होना टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है आईपीएल 2022 में। हालांकि खबर यह है कि फिलहाल जो है मैक्सवेल और दो और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जैसन बैरनडॉफ और जॉश हेजलवुड स्टार्टिंग के मैचेस को मिस करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कुछ खिलाड़ी 6 अप्रैल से अवेलेबल रहेंगे, वहीं बाकी कुछ खिलाड़ी जो है ऑस्ट्रेलियन टीम के वो 11 या 12 अप्रैल से हमें खेलते हुए दिखाई देंगे, ऐसी खबर आ रही है। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये थी हमारी वीडियो आरसीबी टीम के खिलाड़ी मैक्सवेल को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।